साल था 1997 का। लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और उनकी सरकार गिर गई। तब उन्होंने कहा था, मैं फीनिक्स की तरह राख से उठूंगा। दरअसल फीनिक्स 6वीं सदी के अरब के रेगिस्तान का एक पक्षी था जिसे खुद को जला दिया था और बाद में अपनी राख से फिर जिंदा हो गया था। हैरी पॉटर फिल्म में भी आपने देखा होगा। अब भले ही देवगौड़ा ने यह बोला था और राष्ट्रीय राजनीति के लिए उनका यह कहना सच नहीं हुआ था, हालांकि देवगौड़ा यह तय करने में सफल रहे कि उनकी बनाई गई क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस 2004 से कर्नाटक की राजनीति में अहम भूमिका निभाए। उसने ऐसा किया भी, लेकिन आज वो पार्टी भी ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां उसके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है। उसके सामने अपने ही गढ़ में कई सीटों पर हार का साया मंडरा रहा है। जेडीएस के लिए 20 सीटें जीतना भी बड़ी चुनौती है। 3 पर तो देवगौड़ा परिवार के सदस्य ही लड़ रहे हैं। इनमें कुमारस्वामी, उनके बड़े भाई रवन्ना और बेटे निखिल को सीट बचाए रखने में तगड़ी चुनौती मिल रही है। अगर तीनों विधायक नहीं बने तो जेडीएस का वजूद खत्म होने की आकांक्षा बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टी के जो लोग जीतेंगे उनके जेडीएस छोड़कर जाने, कांग्रेस यानी बीजेपी में शामिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसकी बड़ी वजह ये रही है कि जेडीएस ने कभी अपने दम पर सत्ता नहीं बनाई है, यानी कि वो कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना सके हैं। देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी 2 बार सीएम जरूर बने, पर उनका कार्यकाल छोटा रहा। 5 विधानसभा चुनावों से सरकार का गठन हर बार जेडीएस के प्रदर्शन पर निर्भर रहा, यानी वो किंग भले ही नहीं बने पर किंग मेकर वो हर बार रहे। ओल्ड मैसूर में जब भी जेडीएस का प्रदर्शन खराब रहा, कांग्रेस सत्ता में आई। वहीं उसका प्रदर्शन बेहतर रहने पर भाजपा ने सरकार बनाई, यानी कि वो किंग मेकर होता ना कि आप अगर बेहतर करेंगे तो हम बनेंगे, नहीं तो नहीं। इस बार चुनाव करीब आए तो जेडीएस मजबूत दिख भी रही थी। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ माहौल था और उसे लग रहा था कि वो इस बार तो अपने दम पर अकेले सरकार बना भी लेंगे। लेकिन जेडीएस के लिए हालात तब पलटने लगे जब भाजपा ने अचानक से आत्मविश्वास के साथ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बड़े बड़े नेता कर्नाटक पहुंच गए। भाजपा अपने विधायक और नेताओं को दूसरे दलों में जाने से रोकने में भी सफल हो गई, खासकर तटीय और मुंबई कर्नाटक क्षेत्र में जहां इसका कैडर आधार मजबूत है। जेडीएस ने जब पंचरत्न यात्रा शुरू की थी तो उसका लक्ष्य 125 सीटों को टारगेट करना था। इसमें ओल्ड मैसूर, मध्य कर्नाटक के कुछ जिले और हैदराबाद कर्नाटक इलाके की कुछ सीटें भी शामिल थी। लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं ने अपने मतभेद सुलझाने शुरू किए तो मध्य कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक इलाकों में जेडीएस की मुश्किलें बढ़ने लगी। बदले समीकरण में पार्टी ने टारगेट को 125 से घटाकर 75 सीटों पर ला दिया। नामांकन के बाद तो चीजें और भी ज्यादा बदल गई। नामांकन के बाद भाजपा ने तटीय मलनाड मुंबई कर्नाटक में फोकस करने के अलावा ओल्ड मैसूर के साथ हैदराबाद कर्नाटक में भी ताकत झोंकनी शुरू कर दी। भाजपा ने यह भी तय किया कि सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार जैसे कांग्रेस के स्टार प्रचारक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ही उलझे रहें। बस कुमारस्वामी के खिलाफ पूर्व मंत्री सीपी योगेश्वर को उतार दिया गया तो वहीं देवगौड़ा ने बड़े बेटे रमन्ना की पत्नी भवानी को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसी घटनाओं से हासन और मांडिया जिले में पार्टी छवि को झटका लगा है। ये वो जिले हैं जहां 2018 में जीडीएस ने 14 में से 13 सीटें जीती थी। इस बार 7 सीटों में उसकी हार की आशंका जताई जा रही है और बाकी पर भी चुनौती तगड़ी है। यानी कि जो सीटें कभी उसके आसान हुआ करती, जो गढ़ मानी जाती थी, वहां पर भी अब जीतने का खतरा मंडरा रहा है और हारने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। खैर, 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग है, 224 सीट होंगी, इलेक्शन लड़ा जाएगा जिन पर नतीजे 13 मई को आएंगे और सरकार बनाने के लिए 113 सीटें चाहिए। तो कौन सरकार बनाएगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब 13 मई को आपके पास मिल जाएगा और न्यूज 24 आपके लिए लेकर आएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।